हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं थिंक टेक्निकल। फ्रेंड्स, सूर्य ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य से ही हमें गर्मी और ऊर्जा मिलती है। क्या आप जानते हैं चाइना ने आर्टिफिशियल सन बना लिया है एक लैब में। चाइना आर्टिफिशियल सन पर 2006 से काम कर रहा है, उसे सफलता अब मिली। अगर आपको भी जानना है इस आर्टिफिशियल सन के बारे में, वीडियो में बने रहे अंत तक। इस वीडियो में बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप चाइना ने ये आर्टिफिशियल सन कैसे बनाया और ये कितना बड़ा है और ये कैसे काम करेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल सन पर 2006 से काम कर रहे थे, परंतु उन्हें अब जाकर सफलता मिली है। फ्रेंड्स, चाइना ने जो आर्टिफिशियल सन बनाया है ये न्यूक्लियर फ्यूजन की मदद से बनाया है। जिस न्यूक्लियर फ्यूजन से ये आर्टिफिशियल सन बनाया है उसका नाम है HL2M। इस न्यूक्लियर फ्यूजन की मदद से चाइना ने ये आर्टिफिशियल सन बनाया है। ये आर्टिफिशियल सन लगभग 11 मीटर लंबा है और 8 मीटर चौड़ा है और इसका वेट 360 टन है। चाइना का ये आर्टिफिशियल सन 10 गुना ज्यादा एनर्जी पैदा करेगा ओरिजिनल सन से। ये आर्टिफिशियल सन ओरिजिनल सन की तरह वर्क नहीं करेगा, बल्कि ये एक ही जगह पर खड़ा होगा। ना सुबह होगी ना शाम होगी, ये एक ही जगह पर खड़ा रहेगा। 24 घंटे एक ही बराबर तापमान पर लाइट देगा। चाइना आर्टिफिशियल चांद पर भी काम कर रहा है। वो जल्द ही आर्टिफिशियल चांद बनाएगा और अपने आसमान में स्थिर करेगा। जैसे सैटेलाइट स्थिर होते हैं, वैसे ही आर्टिफिशियल चांद भी स्थिर करने वाला है चाइना थोड़े ही दिनों में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।